बुशरा, बुशरा बाबा आ गए? नहीं बाबा नहीं आए हैं अभी तक। संभालो बेटा खुद को। अब अच्छा जाओ तुम जाकर नमाज पढ़ लो। मैंने पढ़ ली है। नमाज पढ़ ली है मैंने। तो फिर यहाँ क्यों सो रहे हो? अंदर जाके सो जाओ। मुझे अंदर नींद नहीं आती आपकी, बहुत डर लगता है। आपने बिना वजह सारे भाई को जबरदस्ती भेज दिया। वो होते ना तो इतना डर नहीं लगता हमें। मेरी गुड़िया, हमें खुद भी तो स्ट्रांग होना पड़ेगा। कब तक दूसरों का सहारा लेते रहेंगे, और वो भी वो जो वक्त ही हो। अस्सलाम वालेकुम। कौन? जी जी जी, अच्छा मैं आ रही हूँ। क्या, किसका फोन है? पुलिस स्टेशन से फोन था, कह रहे हैं बाबा का पता चल गया। बाबा का पता चल गया? कहाँ है बाबा, कैसे हैं? अभी मुझे कुछ बताया नहीं है, बस थाने बुला रहे हैं। तुम दरवाजा ठीक से लॉक कर लेना। चलो मैं देख कर आती हूँ। मेरे बाबा अता मोहम्मद, अता मोहम्मद। जी सर। इसको ले जाओ, जाओ तुम इसके साथ, ये तुम्हें तुम्हारे बाबा से मिलवा देगा। जी सर। आए बीबी। ओए ज़ियारत गुल, एक कश तो लगा। ये क्या बदतमीजी है? आप चलें मुझे अपने बाबा से मिलना है। कहाँ हैं वो? बीबी आप ठहरिए तो जरा। चलेंगे अब आप? ये ले भाई, चलें। हेलो हेलो, पता नहीं कौन। हेलो हेलो, चलो भाई। अच्छा मैडम, बाबा क्या हुआ है आपको? आप यहाँ कैसे आए हैं? बाबा ठीक तो हैं? निकालो इनको बाहर यहाँ से। अब आप लॉकअप में क्या कर रहे हैं? आपको यहाँ कौन लेकर आया है? क्यों बंद किया है आपको? चोरी के इल्जाम में पकड़ा है। हेरा फेरी और धोखा दही का भी केस है। सबूत भी है और गवाह भी। सब झूठ है, आपके सबूत भी और आपके गवाह भी। मेरे बाबा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। मैं जानती हूँ उन्हें, मैं गवाही देती हूँ। तुम्हारी गवाही मानेगा कौन बीबी? हर मुजरिम के घर वालों का यही कहना, हमारा बंदा तो बेकसूर है, बेगुनाह है, उसने कुछ भी नहीं किया, हाँ वगैरह वगैरह। मेरे पापा मुजरिम नहीं है, और ये आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। निकालें उनको बाहर, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। मुझे पता है उनका, और आप भी अच्छे से जानते हैं। बताएं बाबा खामोश क्यों है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलें कुछ। बाबा आप परेशान मत हो, मैं जानती हूँ ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, आप ऐसा कर ही नहीं सकते हैं कुछ भी। मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगी, मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, आप लोगों ने मेरे बाबा को प्रेशराइज किया है ना, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैं भी देखती हूँ कितनी देर तक आप उनको लॉकअप में रखते हैं। निकालो उन्हें अभी के अभी बाहर। अब
अपने साथ लेकर जाऊंगी। बाबा परेशान मत हो, मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगी, हम साथ घर जाएंगे। मैं कुछ करती हूँ। देखिए ये बहुत पेचीदा केस है, मगर मैं फिर भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि सिद्दीक साहब की जमानत हो जाए। ये सब झूठ है, ये सब मेरे बाबा के खिलाफ साजिश की जा रही है, और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ये सब कुछ शानी करवा रहा है ताकि हमें तंग कर सके। पर ना आप खुद बताएं कि पुलिस वालों की मेरे बाबा से क्या दुश्मनी होगी। वकील साहब प्लीज प्लीज आप मेरे बाबा की बेल करवा दें, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, वो आजकल बहुत बीमार है, उन्हें वहां से निकलवा दें। ठीक है नूर बीबी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आप अभी मेरी असिस्टेंट के पास जाके 2 लाख रुपए जमा करा दीजिए। 2 लाख रुपए? जी मेरी फीस है ये, और आगे भी जो खर्चा होता रहेगा फिर मैं आपको बताऊंगा। मगर वकील साहब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मेरा मतलब है कि एक साथ इतने पैसे नहीं दे सकूंगी, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी सारी रकम अदा कर दूंगी। आप बस बाबा की बेल का इंतजाम करवा दें, आपके पैसे कहीं नहीं जाते, मैं आपके पैसे पूरे दे दूंगी। ऐसा नहीं होता नूर बीबी, मैं आपकी परेशानी देखकर पैसे ही इतनी कम फीस बताई है आपको, वरना मेरी फीस तो बहुत ज्यादा है, और फिर हमें भी आगे पीछे पैसे खिलाने पड़ते हैं, सारे पैसे मेरी जेब में आएंगे नहीं ना। देखिए नूर बीबी, कोई भी अच्छा वकील करते हैं अगर आप, तो उसकी फीस ज्यादा होगी, और आपको मैं समझ नहीं आ रहा तो फिर आप कोई और वकील ढूंढ लीजिए। नहीं नहीं वकील साहब, मैं पैसों का इंतजाम कर लेती हूँ, आप बस मेरे बाबा की बेल करवा दें, कि तबीयत भी ठीक नहीं है, उनको जल्द से जल्द इस मुसीबत से निकाल दें। मैं पैसों का अरेंज करती हूँ। ठीक है। शाजिया जी अम्मी, ये नरगिस भाभी का नंबर है, इस पे जरा व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो तुम कि ताकि वो लड़के की तस्वीरें भेज दें। लड़के की तस्वीरें? हाँ, नरगिस भाभी ना अरिबा के लिए एक रिश्ते की बात कर रही थी, कह रही थी रिश्ता बहुत अच्छा है, तो मैंने भी कहा भाई देखने में क्या हर्ज है, देख लेते, अगर लड़के की तस्वीरें हमें पसंद आ गई ना तो फिर तुम एक काम करना, तुम अरिबा की कुछ तस्वीरें ना उनको व्हाट्सएप कर देना। जी अम्मी, मेरे पास अरिबा की 2-3 तस्वीरें हैं, वो निगहत आपा की बेटी की शादी में ली थी ना, वो मेरे मोबाइल में सेव है, मैं भेज देती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन भेजने से पहले मुझे एक नजर दिखा जरूर देना। जी अम्मी, ये मैसेज कर दिया मैंने। कर दिया? चलो अच्छा है। अच्छा है इस लड़की का रिश्ता हो जाए ताकि मेरी भी जान छूटे। बहुत अच्छा किया अम्मी ने जो इसकी शादी के बारे में सोचना शुरू किया।